तो चलिए जी, आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा लहसुन के पत्ते भी मैं अपने किचन गार्डन से ले आई हूँ, और साथ में यहाँ पे हरी मिर्च भी हैं। तो वो सारा हम लोग अपने किचन गार्डन से ही यूज़ करते हैं अपने खाने में। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मनीषा बजवाल और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत सी वादियों से। अभी सुबह के लगभग 9:30 हो गए हैं और मौसम आप लोग देख सकते हैं, चटक सी धूप लगी हुई है, जबकि पहाड़ों में ऊपर ऊपर कहीं कहीं कोहरा भी लगा हुआ है। सितंबर का महीना लगभग आधा हो चुका है और मानसून भी लगभग ख़त्म हो ही गई है। तो आजकल जो है अच्छी सी धूप लगनी शुरू हो गई है, तो पहाड़ों के जो कामकाज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आजकल पहाड़ों के खेतों में महिलाएं झंगोरे की लवाई हो गया, मंडवे की लवाई हो गया, कहीं कहीं धान की कटाई भी हो रही है। तो अभी हमारे गाँव में धान की कटाई शुरू नहीं हुई है, तो अभी झंगोरे की कटाई चल रही है। तो दीदी भी अभी झंगोरे की कटाई के लिए गई है, यानी कि जो झंगोरे की बालियां होती हैं उनको अलग करने के लिए गई है। तो चलिए जी, दीदी भी खेतों में गई है अपने खेतों को काम निपटाने के लिए, और सासू जी भी नैनू को लेके स्कूल गए हुए हैं। तो अब मेरी बारी है किचन के काम निपटाने के बाद गौशाला के काम निपटाने की। तो गाय भैंसों को पानी पिला लेती हूँ फटाफट से, और गौशाला के काम निपटाने के बाद मैं सीधे घर को चलती हूँ। तो चलिए जी, गौशाला का चौक भी मैंने पूरी तरह से साफ कर लिया है, और यहाँ देखिए इतना सारा गोबर हम लोगों ने एक जगह पे स्टोर करके रखा हुआ है। और हमारी गढ़वाली बोली में जिस जगह पे हम लोग गोबर स्टोर करके रखते हैं उसे मरास कहते हैं। और कुछ टाइम बाद जब खेतों की फसल कट के खाली हो जाएंगे पूरे खेत, तो यहाँ से हम लोग मरास से कंडी में भर के और पीठ में लाद के इस गोबर को खेतों तक पहुँचाते हैं। तो चलिए जी, गौशाला से आने के बाद मैंने किचन गार्डन के काम निपटाए। वहाँ पे निराई गुड़ाई करनी थी और घास काफ़ी बड़ी हो गई थी, तो थोड़ा बहुत घास निकाली। और अभी दोपहर के 12 बजने वाले हैं और लंच बनाने का टाइम भी हो गया है, और आज के लंच में मैं बनाने वाली हूँ पहाड़ी दाल चावल। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं कि किस तरह से हम लोग अपने घरों में आमतौर पर अपना लंच बनाते हैं। तो चलिए जी, गौशाला का काम करने के बाद और किचन गार्डन का काम करने से पहले मैंने दाल चढ़ा ली थी चूल्हे में, अपने पहाड़ी चूल्हे में। तो दाल भी पक के तैयार हो गई है, तो जल्दी से अपना खाना बना लेते हैं। और आज के वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हम लोग आमतौर पे कैसे अपना खाना बनाते हैं। तो ये रहा हम लोगों का, हमारे खेत का प्याज, हमारे किचन गार्डन का प्याज जो हो रखा था। तो टमाटर हम लोग यूज़ नहीं करेंगे अभी, क्योंकि पहाड़ों में ऐसा होता है कि ज़्यादातर हम लोग घर की चीज़ें ही यूज़ करते हैं, बाहर के ऐसे मार्केट के टमाटर हम लोग नहीं लाते हैं। तो प्याज हो गया, और जो सरसों के बीज होते हैं उसको हम लोग यूज़ करते हैं ऐसे दाल में छौंक मारने के लिए।
ये रहा छोटा सा एक टमाटर, एक आध और भी हैं लेकिन वो शाम की सब्जी के लिए होगा। तो ये हमारे खेत के जो सगोड़े में रहते हैं किचन गार्डन के टमाटर हैं, और इससे जो दाल है जो खाना है उसमें थोड़ा खट्टापन आ जाता है, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा ही यूज़ करेंगे टमाटर को। तो चलिए जी आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा लहसुन के पत्ते भी मैं अपने किचन गार्डन से ले आई हूँ, और साथ में यहाँ पे हरी मिर्च भी हैं, तो सारा हम लोग अपने किचन गार्डन से ही यूज़ करते हैं अपने खाने में। तो चलिए जी दाल में छौंक मारने के लिए मैंने सारा जो भी यूज़ मैं करने वाली हूँ वो हमारे किचन गार्डन का ही है। सबसे पहले यहाँ पे ये रहा प्याज, ये हो गया टमाटर, हो गया लहसुन के पत्ते हो गए, और ये रही लहसुन और साथ में हरी मिर्च हो गया। तो सब चीज़ तैयार है, तो चलिए अब दाल को जल्दी से छौंक देते हैं। तो ये रख ली मैंने अपनी लोहे की कढ़ाई को चूल्हे में, और सबसे पहले दाल छौंकने के लिए तेल डाल दूंगी मैं। तो चलिए जी तेल तो गरम हो ही रहा है, साथ में सबसे ज़्यादा जो चीज़ टेस्ट देती है खाने में तो वो ये चीज़ है, इसको हमारे यहाँ पे चिरौड़ बोलते हैं और ये सरसों के बीज हैं। तो तेल गरम होने के बाद मैं इसको डालूंगी। और अभी प्याज डालने के बाद मैं लहसुन को, हो गया टमाटर, और जो लहसुन के मैंने पत्ते निकाले हैं ये वाले, तो मैं सभी साथ में डालूंगी मिर्च को छोड़ के। तो चलिए जी एक तरफ मैंने चूल्हे में दाल उबालने के लिए भी रख ली है, और दूसरी तरफ यहाँ मैंने मूली के पत्तों की सब्जी काटने की तैयारी मेरी चल रही है। आज के लंच में दाल चावल के साथ मूली के पत्तों की सब्जी बनने वाली है, और इन पत्तों को मैं अपने किचन गार्डन से ले आई हूँ।
तो चलिए जी, दाल और सब्जी तो मैंने बना ली है। बाकी इस बर्तन पे मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं चूल्हे पर, और पीछे जो बर्तन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, हमारी गढ़वाली में इसको डिगच बोलते हैं और आप लोग इसको पहाड़ी गीजर भी कह सकते हैं। एक साथ यहाँ पर दो दो काम हो जाते हैं। आगे की साइड जो है हम लोग खाना बनाते हैं, और पीछे इसमें इस वाले बर्तन में हमेशा पानी गर्म होता रहता है। तो जब भी हम लोगों को गर्म पानी चाहिए होता है तो फटाफट से यहीं से निकाल लेते हैं। तो ये हमारा गीजर का काम कर लेता है। तो चलिए जी, लंच बनके भी तैयार हो चुका है और बच्चे भी सारे स्कूल से आ गए हैं। तो चलिए टेस्टी टेस्टी लंच का आनंद लेते हैं। और इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद और आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज का ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं मनीषा बजवाल मिलती हूँ आपको अपने अगले इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।